एक बात तो बड़ा खुश हो रहा है, ये जो विपक्षी खेमा है कि जैसे कि वो मोदी ये योगी जी नोएडा चले गए, तो नोएडा जाने वाला मुख्यमंत्री नहीं बनता है। इनको इतिहास नहीं मालूम। नोएडा बना था सन 76 में, 14 अप्रैल 1976 नोएडा का गठन हुआ था। इसका गठन करने वाले थे नारायण दत्त तिवारी, तब इमरजेंसी थी, वही मुख्यमंत्री थे। और वो जाहिर सी बात है, जब वो इंडस्ट्रियल यूनिट हुई तो तिवारी जी गए, साल भर बाद उनकी सरकार चली गई। और अभी बहुत लोगों को मालूम ही नहीं इसमें कौन कौन निपटे। देखे नोएडा के साथ एक अंधविश्वास जो जुड़ा था, वो एक दुर्योग जुड़ा था उससे। उसके बाद इसका दूसरा शिकार बने विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिनको कोई नहीं जिक्र करता। 1982 में वो भी नोएडा आए, और नोएडा आने के कुछ ही महीनों बाद वो विदा हो गए, मुख्यमंत्री की कुर्सी इनकी चली गई। विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद वीर बहादुर सिंह सन 88 में आए, मुख्यमंत्री बने थे, साल डेढ़ साल हुआ था, और आने के कुछ ही महीने बाद उनकी कुर्सी चली गई। फिर जब तिवारी जी आए तो चुनाव हुआ तो चले गए, लेकिन वो भी नोएडा उन्होंने किया था। फिर 94 में मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री बने, 93 में बसपा के साथ गठबंधन से, दिसंबर 93 में ये भी नोएडा गए। अभी इसके दो कारण है, और नोएडा जाने के बाद उनकी भी कुर्सी चली गई। चली 95 जून 95 में गेस्ट हाउस कांड हो गया। जब 6 महीने के लिए मायावती मुख्यमंत्री बनी तो वो भी नोएडा गई, उनकी भी कुर्सी गई। चली गई 6 महीने बाद। कल्याण सिंह की गई, बाद में फिर मुलायम सिंह की 2004 में गई। उसके बाद लोगों ने जाना बंद कर बंद दिया, कर हो गया दिया। ये। अखिलेश यादव तो गए नहीं 5 साल, लेकिन अखिलेश यादव 5 साल नोएडा नहीं मैं रहे, कुर्सी कुर्सी तो अखिलेश की भी गई, नहीं आया तब भी गई गई, गई, और बहुत बुरी तरीके से गई, बहुत बुरी बुरी तरीके से तरह से गई। गई, चोटी राजनाथ चोरी सिंह, करके भी जाना पड़ा उसे। राजनाथ हाँ सिंह और राम प्रकाश गुप्ता, दो ऐसे चीफ मिनिस्टर हुए, वो नोएडा नहीं गए, भाजपा के थे, कुर्सी उनकी भी गई। तो उनकी भी गई। ये अलग चीज है। देखिए उन लोगों की जो कुर्सियां गई उनके अलग हालात थे। होता यह था कि असल में, देखिए आप तो जानते हैं कि नोएडा खान, उत्तर प्रदेश की राजनीति पैसे की खान नोएडा है, तो वो जो भी बनता था मुख्यमंत्री सबसे पहले नोएडा जाता जाता था, था वो अपनी दमा माल दिखाने। बटोरने। हाँ वो यही कह दीजिए। और उसके बाद कुछ राजनीतिक घटनाक्रम, अब जैसे वीर बहादुर सिंह की कुर्सी गई तो नोएडा जाने से, उस समय एक दूसरा राजनीतिक समीकरण था, उनका जाना था। विश्वनाथ प्रताप सिंह के, उनके भाई की हत्या हो गई थी, उनको जाना था, लेकिन वो चीजें जुड़ गई और अंधविश्वास इतना मजबूत हो गया कि बताया ना आपके, अखिलेश यादव नहीं गए 5 साल, लेकिन कुर्सी तो बहुत बुरी तरीके से गई। योगी की इसी बात पर तारीफ है, और ये पूरे देश को, ये जो मूर्ख आलोचना कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं कि कुर्सी चली जाएगी, उनको प्रशंसा करनी चाहिए। एक धार्मिक मठ के महंत, पूर्णतया धार्मिक व्यक्ति, लेकिन उस आदमी ने कम से कम 24 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता को तो दिखाया कि अंधविश्वास से काम नहीं चलता, अंधविश्वास मत नहीं करिए। चलता। योगी जी 14वीं या 15वीं बार नोएडा गए हैं, ये पहली बार थोड़ी जा रहे हैं। योगी मुख्यमंत्री बनने के 8 ही 9 महीने बाद, मार्च 2017 में मुख्यमंत्री बने थे, और दिसंबर 2017 में नोएडा में थे, और 25 तारीख का कार्यक्रम था, वो 23 तारीख को भी गए, फिर 25 को दोबारा गए, मतलब 2 बार गए 2 ही 3 दिन के अंदर। और अब तक उनके 13-14 दौरे हो चुके हैं, मेरे ख्याल से 15वां होगा ये। तो ये तो आपको तारीफ करनी चाहिए कि शासक की, कि उसका एक काम है। चाहते वो तो धार्मिक व्यक्ति को तो सबसे ज्यादा अंधविश्वास मान लेते, लेकिन उन्होंने एक बहुत बढ़िया संदेश दिया पूरे देश को भी, और उत्तर प्रदेश को विशेष करके, कि धर्म का अंधविश्वास से कोई लेना देना नहीं होता है। और नहीं। वो अंधविश्वास 2022 में टूटेगा, ये भी निश्चिंत रहिए। योगी जी फिर लौटेंगे, बड़े धूम धड़ाके से लौटेंगे, फिर बैठेंगे मुख्यमंत्री की कुर्सी पे, कहीं नोट कर लीजिए। और वो ऐसे नहीं कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई उनका प्रशंसक हूँ या समर्थक हूँ, उनके काम है कुछ ऐसे।